किस किस बात पर गुस्सा आता है रानी को, इस इंडस्ट्री से क्या क्या शिकायत है? गुस्सा तो खैर नहीं आता, लेकिन शिकायत मतलब, है हाँ, बिल्कुल लगता है ना कि नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए। शिकायत है कि थोड़ा ग्रोइंग करें अपने काम को लेकर, सिर्फ बजट बढ़ाने से नहीं होता है, पैसे से ही फिल्म नहीं बनती, दिमाग भी लगाना चाहिए। अच्छे राइटर्स लाइए, अच्छे डायरेक्टर्स लाइए, लोकेशन एटलीस्ट अच्छी लाइए। अगर आपको बाकी लोगों के मुकाबले खड़े रहना है तो मराठी हो गया, गुजराती, मैं तो साउथ का तो मैं गिनती ही नहीं कर रही, बट मराठी, गुजराती, पंजाबी सब हमारे पीछे थे, अभी सब हमारे आगे हैं। इनफैक्ट अगर आप नेपाल, एक बहुत छोटा सा देश है, आप नेपाल की भी फिल्में देखेंगे तो लगेगा यार क्या फिल्म बनाते हैं ये लोग। तो मैं, ये मेरी शिकायत है कि आप लोग टेकिंग वेकिंग एवरीथिंग थी कि 40 दिन शूट करने से फिल्म नहीं बनती, लेकिन थोड़ा सा ग्रोइंग करें, जो फिक्सिंग वाली बातें हैं वो थोड़ा चेंज करें। तीन हीरो पर हमारी इंडस्ट्री है, अगर तीन हीरो ही सिर्फ फिक्स पर रहेंगे तो बाकी लोग कैसे काम करेंगे? देखिए ग्रोइंग ख़त्म हो चुकी है, ग्रोइंग नहीं हो रही, क्योंकि हमारे जो तीन हीरो हैं उनको एक स्टेप से आगे जाना ही नहीं है। एक ही हीरोइन, एक ही माँ, एक ही विलन। एक चीज बताइए, वो तो आपने शिकायत की ही थी, चेंज होना चाहिए। हम दूसरी इंडस्ट्री से बाकी चीज़ें ले रहे हैं, जैसे प्रेजेंटेशन नहीं सुधर रहा, हम किसिंग सीन खूब देने लगे हैं, लंबे लंबे किस चल रहे हैं, अपनी भी इंडस्ट्री में पता नहीं क्या होता है, आप देखिए फिल्मों में, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन अगर वहाँ पर वो सीन भी हो रहा है बॉलीवुड में या साउथ की फिल्मों में, तो उनका प्रेजेंटेशन कितना खूबसूरत है। नहीं, लेकिन जितने लंबे सीन हमारी फिल्मों में दिखाए जाते हैं वो किसी फिल्मों में इतने लंबे सीन नहीं दिखाए जाते। वो जो फिल्में होती हैं वो एडल्ट फिल्में होती हैं, लेकिन जो हमारे जो स्टार्स की फिल्में होती हैं उनमें इतने लंबे और चीप सीन नहीं दिखाए जाते। अपने यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं, या अभी होने लगा है 4 साल से। और मैंने आज तक, मुझे किसी प्रोड्यूसर ने नहीं कहा रानी जी इसमें आपको एक स्मूथ सीन देना है, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा, क्योंकि पता मैं नहीं दूंगी। तो हमारे एक्टरों को मना करना चाहिए। अब पता नहीं, अभी रिसर्चर तो अपने यहाँ रिकॉर्ड, मतलब जहाँ पर कई जगह ज़रूरत नहीं होती है फिल्मों में, चलो कहानी में या एक लाइफ का हिस्सा है, अगर ज़रूरी है, कहानी का डिमांड है, एक दो, कई कई फिल्में ऐसी हैं अनावश्यक जहाँ ज़रूरत नहीं है, जब भी मुलाकात होती है। हमारी हमारी फिल्मों में किसिंग सीन और बिकनी का कोई डिमांड नहीं है और ना ही कोई रिक्वायरमेंट है। इमेजिन करिए वो पोखरा के पास हीरोइन बिकनी में नाच रही हो, जरूरी है? अब तो हमारी हीरो यार वहाँ समुंदर ही नहीं है तो बिकनी क्यों पहनेगी? अब तो स्विमिंग पूल में भी जा रही है, पता नहीं अपने इलाके में स्विमिंग पूल डेवलप नहीं हुआ, लेकिन अपनी फिल्मों में स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में जा रही है, बिकनी पे जा रही है। तो ये तो देखिए इन लोगों ने यही ग्रोइंग की है। वही मैं कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें तो हम सीख रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉलीवुड जो फॉलो करना है वो नहीं किया जा रहा है। और शिकायत करने बैठूंगी तो बहुत सारी शिकायतें हैं, ग्रोइंग रुक गई, अगर मैं बोलूंगी तो बोलेंगे पागल हो गई रानी, ये भी सुनने को मिल सकता है। एक और चीज़ है, एक कुदरती चीज़ें होती हैं और एक फिल्म इंडस्ट्री की चीज़ें होती हैं। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आ गए तो कुदरत को बिल्कुल भूल जाइए, आप फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से बूढ़े हो रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से आपको कम काम करना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से आपको शादी जल्दी कर लेनी चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से आपको अफेयर नहीं करना चाहिए। तो एक फिल्म इंडस्ट्री एक कुदरत, तो ये सब चीज़ें, मैं ग्रोइंग कहीं रुकी नहीं है, लेकिन जहाँ चलनी चाहिए ग्रोइंग वहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर की सुनता ही नहीं है कोई। एक आध दो तीन डायरेक्टर होंगे जिनकी लोग सुनते हैं, अभी दबंगई करती हैं, अभी बोलती हैं डायरेक्टर को कि नहीं ऐसे सीन करो, ऐसे सीन करो, बिल्कुल नहीं, उनके डायरेक्शन में दखल देती हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है। मैं पहले दिन वॉच करती हूँ कि डायरेक्टर क्या कर रहा है, कैमरा मैन तो चलो एक अलग ही डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर किस तरह का सीन शूट कर रहा है, कहीं लगता है कि सर दरअसल में नहीं रहता डायरेक्टर की रानी है ज्यादा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं फ्रेंडली रहती हूँ। अच्छा। मेरे साथ किसी का दबदबा नहीं है ना कि रानी से ज्यादा बात कर लेंगे तो हीरो नाराज हो जाएगा। अच्छा, ऐसा आई एम अ टोटली डायरेक्टर आर्टिस्ट। एक ऐसा प्रेशर होता है क्या डायरेक्टर पर, हीरोइन से हम ज्यादा बात करें तो हीरो डांट देगा या? बिल्कुल होता होगा। अच्छा, इस प्रेशर में डायरेक्टर काम करता होगा, वो तो एक्ट्रेस के ऊपर है कि वो कितने कंफर्ट जोन में बाकियों को रखती है।
एक एक्ट्रेस के, मेरे साथ तो असिस्टेंट्स भी आके हंसी मजाक कर रहे होते हैं, रानी जी मैं ऐसा हो गया, क्या बात कर। अच्छा एक दो चीजें और सुनिए कि ठीक है, अगर हीरो काम कर रहा है और उसकी जो खास हीरोइन है, उसकी जो गर्लफ्रेंड बनी है, साथ रहती है, तो अगर उसका काम नहीं भी है, वहाँ पर उसका रोल नहीं है, तो भी उसके साथ रहती है ऐसा? हाँ ये तो पर्सनल वे हो गया। नहीं नहीं, जाके प्रोड्यूसर पर उसका भार आता है कि ठीक है उसका काम नहीं है, मुझे नहीं लगता कि या ठीक है काम में काम नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि जहाँ। लेकिन एक चीज है ये चीज, मतलब एक डर की नहीं, अगर मैं नहीं जाती हूँ और इस हीरो के पास कोई दूसरा आ गया, ये इनसिक्योरिटी हो सकती है, या फिर वो लोग बहुत ज्यादा दूसरे से प्यार करते होंगे तो एक पल भी दूसरे के बिना रह नहीं पाते होंगे शायद, इसलिए 24 आवर्स रहते हैं। आई थिंक सो कि इतना ज्यादा प्यार होगा, आपको लोनलेस जल नहीं होती कि सबकी जोड़ियां बनी हुई है सबके साथ कोई ना कोई, मेरे साथ कोई नहीं, जोड़ी से बेटर है, आई एम अलोन, आई एम हैप्पी। तो अकेलापन, तन्हाई, कोई अकेलापन नहीं मेरे जिंदगी में, कोई तन्हाई नहीं है, कोई तन्हाई नहीं। देखिए मैं उस तरह की लड़की हूँ, एक्ट्रेस हटा दीजिए, एक एज अ गर्ल, कि मैं तभी ही किसी का हाथ पकड़ के कैमरे के सामने आऊंगी जब मैं शादी करूंगी। मैं उस तरह की हूँ, अगर कोई हीरो भी मेरी जिंदगी में है, चलिए मानिए कि मेरा किसी से अफेयर चल रहा है, मैं किसी की गर्लफ्रेंड हूँ, कोई मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मुझे इस तरह से शो ऑफ करना और किसी के सेट पे जाके 24 घंटे बैठे रहना, मैं खुद बोर हो जाऊंगी कि ओ नो मैम प्लीज मेरे भी इतने पीछे मतलब हो यार। मतलब प्यार जो है वो पर्दे की चीज है, रानी कह रही हैं कि प्यार प्रदर्शन के लिए नहीं होता है, वो मेरी तरफ से, बाकी सबका अपना लुकआउट है। ये वही आप ही की बात रख रहा हूँ कि प्यार प्रदर्शन के लिए नहीं होता, प्यार महसूस करने के लिए होता है, अंदर रखने के लिए होता है, उसको बहुत बड़े कैनवास पर दिखाने की जरूरत नहीं है उसको महसूस करने के। और एक बात कहूँ, प्यार दिखाने की चीज है ही नहीं एक्चुअली प्यार। अच्छा लेकिन एक खतरा भी है रानी। क्या खतरा? ये है कि मान लीजिए हम दोनों मोहब्बत करते हैं, मतलब मानना है केवल, मान लीजिए, बिल्कुल मान लिया, मान लिया, मान लिया, करते हैं मोहब्बत, करते हैं हम लोग, अगर हम दुनिया को नहीं दिखाएंगे तो दुनिया को पता नहीं एक दोनों से मोहब्बत करते हैं, तो कोई आपके पीछे कोई मेरे पीछे, लेकिन पता चल जाएगा कि नहीं हम लोग कमिटेड हैं एक दूसरे से, तो सेफ रहेंगे। इसलिए देखिए बात सेफ, देखिए कमिटेड लोग भी फ्रॉड करते हैं, शादी के बाद भी अफेयर्स होते हैं, फ्रॉड करना है या किया, ये इनसिक्योरिटी तो कभी भी आ सकती है, जरूरी थोड़ी दुनिया को बताने के बाद भी आए, दुनिया को बताने के बाद नहीं भी आए, जरूरी है कि दो लोग जो हैं, आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, ये हम दोनों को पता है, बस मत बोलिए मेरी वाइफ भी देख रही है, सच मान अरे मैं एक बात कह रही हूँ, बोल रही है जस्ट, मतलब मेरा एक सिर्फ एक बात रखा है मैंने कि जरूरी नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप दुनिया को दिखा के प्यार करें, दुनिया को दिखा रहे हैं तो ही प्यार है, और जो दुनिया को दिखाता है उसकी क्या थिंकिंग है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी लाइफ में वही लड़का मेरे साथ रह सकता है या मैं कनेक्ट हो सकती हूँ, जो एक होता ना कि सीक्रेट को सीक्रेट रखे। अब जैसे कि आपको पता है कि रानी 6 साल से इस लड़के के साथ है, कल को आपको शादी की न्यूज आएगी, बोलेंगे वो तो पता था शादी होने वाली है, इतना ही रिएक्शन होगा, जब पता ही नहीं किसके साथ है, अरे उसके साथ शादी हो रही है, ओ तो ये रही, तो आई लव दिस रिएक्शन एक्चुअली। क्या बात रानी, हम प्यार की बात कर रहे थे, हीर राजा, सोनी महिवाल, बहुत सारी लव स्टोरी बॉलीवुड में बनी, साउथ की फिल्म में बनी, अपने यहाँ अगर लवर्स को कुछ ऐसी फिल्म चाहिए भोजपुरी में देखने के लिए जहाँ ट्रू लव हो, जहाँ मतलब प्यार छलक कर आता है उस फिल्मों की कहानी से, एक्शन से, अभिनय से, टोटलिटी में फिल्म से, तो कौन सी फिल्में होंगी इस नए दौर में? मुझे लगता है कि बिल्कुल फ्रेश स्टोरी होनी चाहिए, जो जो हमारी यूपी बिहार की जो जनरेशन है, जो जो नहीं नहीं मैं बनी हुई फिल्म में कुछ कोई आप रिकमेंड करेंगे कि ये फिल्म देखिए शायद आपको प्यार का मतलब समझ में, मतलब बहुत जेन्युइन इनोसेंट जिस प्यार की आप बात करें उस ढंग का है, बाकी तो प्यार तो सब में दिखा, बिना प्यार के तो फिल्म बनती ही नहीं है, जबरदस्ती भी प्यार कराते हैं, बिल्कुल स्मूथ, मतलब देखना चाहिए यार, देखो ये देखोगे तो प्यार हो जाएगा। मुझे लगता है ना कि अभी भोजपुरी में बिल्कुल प्यार का तो नहीं, लेकिन वो राष्ट्रीय फिल्म जो बनाते थे, राष्ट्रीय प्रोडक्शन जिस तरह की, जैसे हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, जिसमें प्यार और फैमिली ड्रामा भी चल रहा होता था, मैंने प्यार किया, तो आई थिंक इस तरह की कुछ फिल्में, कोई ऐसी फिल्म आपने की है जिसमें आप प्यार में पागल हो गए, लगता है कि बस मतलब वाकई मन करता है ऐसी फिल्म? मैं करना चाहती हूँ, मैं मुझे रोमांटिक फिल्में ज़्यादा पसंद है, मगर मेरे नसीब में रोमांटिक फिल्में नहीं होती, सब एक्शन ही फिल्में होती, डॉक्टर डकैत, ये एक्शन, रोना धोना। एक बात बताइए कि
आपने शुरू में कहा था एक डर आपके मन में बैठा था, किसी ने आपको बताया और शायद सही बताया था कि 5 साल की उम्र होती है हीरोइन की, और डर ने आपको एक्सेलरेट कर दिया। जी हाँ। और उसके बाद आपको लगा कि नहीं, मैं इतने कम समय के लिए नहीं रहूंगी, और आपने साबित भी किया। लेकिन एक समय के बाद हीरोइनों को इंडस्ट्री छोड़ के जाना पड़ता है। हीरो तो रहते हैं, भोजपुरी में तो ज्यादा हुआ है ये, बूढ़ा हीरो चल जाता है, बूढ़ी हीरोइन नहीं चलती हर इंडस्ट्री में। ये है तो क्या सोच रही हैं आगे के लिए, क्या प्लान कर रही हैं? देखिए, मैंने कभी भी मनोज जी, मैंने कभी भी ना प्लान नहीं किया अपनी लाइफ में। ससुरा की उसके बाद भी कोई प्लानिंग नहीं था, करते गए। अभी भी जो फिल्में आती हैं, मन करता है करना है, नहीं करता, कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, मैं नहीं करती। बहुत मस्त अपनी लाइफ में रहती हूँ, तो प्लानिंग कुछ है नहीं। और मेरी लाइफ में जो भी हुआ है ना, सडन हुआ, एकदम अचानक हुआ है। ऐसा तो नहीं हुआ कि अब आपने बहुत पैसा कमा लिया तो बोला चलो बहुत पैसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एक जो सेटिस्फेक्शन होता है अपनी लाइफ का, क्योंकि मैंने अपनी उस एज में इतना काम किया है ना, मतलब जिस एज में अब हूँ तब लोग काम कर रहे होते उतना, लेकिन मैंने अपनी जो पिछली जो एज थी 14 साल 16 17 18 20 21 22, इतना ज़्यादा काम किया है कि अब मुझे लगता है कि अब वो काम होना चाहिए जो मन चाहा हो। जो मन को हिंदी में ट्राई नहीं किया आपने? हिंदी फिल्मों में मैंने कभी ट्राई नहीं किया। साउथ की फिल्मों में या नहीं? ऑफर्स आए हैं लेकिन भोजपुरी से ही वक्त नहीं निकाल पाती थी मैं तो। और मुझे जब यहाँ पे ही इतना बड़ा नाम है, यहाँ पे हर चीज नाम के हिसाब से पैसे मिलते हैं। बिल्कुल, मुझे मिले हैं। अच्छा, बिल्कुल मिले। कितना मैक्सिमम तक जाता है बजट? क्यों बता, एक्टर का कोई बजट नहीं होता, जहाँ ज्यादा मिल गया कहीं कम मिल गया। मैं आप सीधे आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कितना ऐसे? आप नहीं जानते मैं दर्शकों के लिए, मैं तो बहुत कुछ जानता, हम दोनों जानते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन ये है कि उस बजट को बीट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हीरोइंस को। सबसे महंगी हीरोइन है आप इंडस्ट्री की? हाँ, ऐसा बोलते हैं लोग। अच्छा, बाकी क्या रेंज रहता है हीरोइनों का जो एस्टैब्लिश हैं, जो क्लास, जो 4-5 साल एस्टैब्लिश हैं? देखिए, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि बाकी की जो मेरी को एक्ट्रेसेस हैं वो क्या पैसे लेते हैं। आपने एक बात कहा कि हीरोइनें डायरेक्टर को ये कहती हैं कि मैं उससे कम लूंगी, मैंने उनको पता रहता है कि उसको क्या मिला, कम कर लो यार मुझे नहीं, ले लो। मैंने कभी नहीं किया ना। हाँ, किया मतलब अभी जो बजट रखते हैं हीरोइंस के लिए, उतना बजट तो मेरे स्टाफ का हो जाता है एक शूट पर, ऐसा हो जाए, ऐसा है तो मैं क्या बात करूँ? क्या रेंज रहता होगा? नो आइडिया। हीरो कुछ ऐसे बोलूंगी कोई सुनेगा, फिर वो लोग 4 बातें मेरे बारे में करेंगे, इससे अच्छा कि मैं नहीं बोलूं। रेंज पूछ रहा हूँ, आइडिया मिले, जो नई लड़कियां आ रही हैं बेचारी, उन लोगों के लिए कोई बजट ही नहीं होता। मैं तो चाहती हूँ कि कुछ ऐसा बजट रखें कि अच्छी एक्ट्रेसेस दिलचस्पी ले काम करने के लिए। 14 साल के बाद फाइनेंशियली सेफ महसूस करने लगता है कि नहीं, मेरे पास ठीक है, हमने 14 साल जो स्ट्रगल किया उसके हिसाब से मेरे पास खूब पैसा आ गया है। आपको लगता है ऐसा कि ठीक है? नहीं, ऐसा बहुत पैसा आ गया है ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन हाँ, मैंने कभी भी सोची ना, जो लड़की को ये सुनने को मिला था कि तो वो बहुत काली है, बहुत गंदी दिखती है, वो लड़की ने अगर इतना अचीव कर ले तो मेरी तो बहुत है। मेरे अलावा क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, एक्टिंग के अलावा मैं मस्त अपने घर में रहती हूँ फ्रेंड्स लोगों के साथ। मुझे क्लबिंग का बहुत शौक है, लोग, मैं वर्कआउट बहुत करती हूँ, लेकिन वो अलग बात है, मेरे बॉडी पे दिखता नहीं, लेकिन मैं वर्कआउट, मुझे एक्टिंग के अलावा कोई शौक है तो वो जिम का ज्यादा शौक है, म्यूजिक का ज्यादा शौक है। एक्टिंग के अलावा मैं बहुत कुछ खास नहीं कर रही हूँ। जिम का असर नहीं दिखता आप पर? डेफिनेटली नहीं दिखता, क्योंकि मैं कुछ दिन करती हूँ फिर कई कुछ दिन बाहर चली जाती हूँ, वो बहुत एक डेडिकेशन के साथ, क्या होता है ना, फिट और जीरो फिगर में वही आ सकते हैं जो 8-9 महीने तक डेडिकेशन के साथ लगे रहे, जो मुझसे हो नहीं सकता। खाने पीने की शौकीन है खूब? नहीं, ऐसा नहीं, खाने पीने की मैं बहुत ही हल्का फुल्का फूड खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, वेजिटेरियन चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। बाहर की मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती, मैं बाहर का कुछ नहीं खाती, ना ड्रिंक्स, ना सॉफ्ट ड्रिंक्स, ना कोई जंक फूड, कुछ नहीं खाती मैं। जो भी घर में मम्मी मुझे एक रोटी के साथ एक अचार भी दे देंगे तो आई ईट, बट बाहर का मैं बिल्कुल नहीं खाती। क्या प्लानिंग है आगे के लिए आपकी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही लाइफ जीनी है, मस्त मौला, फिल्में आएंगी, एक्टिंग करते रहेंगे। हाँ, लेकिन एक्टिंग का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। जो लोग कहते हैं, जैसे आपने कहा कि एक वक्त में इंडस्ट्री छोड़ के जाना पड़ता है, बट ऐसा मेरे साथ नहीं होगा, मेरी फिल्में आती रहेंगी, मेरी शादी के बाद भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दुल्हा ऐसा चाहिए जो आपको फिल्म में काम करने से नहीं रोके? ऐसा नहीं चाहिए,
उसे मानना पड़ेगा ये बात। यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो लोग अप्लीकेशन करेंगे रानी के पास शादी के लिए, दूल्हा बनने के लिए, उनको ये ध्यान में रखना होगा रानी की एक्टिंग चलती रहेगी, वो अभिनय नहीं छोड़ेंगी। एक्टिंग भी चलती रहेगी, मैं प्रोड्यूस भी करूंगी, मैं प्रोडक्शन हाउस चलाऊंगी। अच्छा, प्रोड्यूसर भी बनना है? बिल्कुल, मेरी आगे की प्लानिंग नहीं है, लेकिन थॉट है कि इंडस्ट्री अगर मैं एक्टिंग नहीं कर पाई, एक्टिंग नहीं करना है, तो किसी ना किसी तरह मैं जुड़ी रहूंगी, कुछ ना कुछ जरूर करती रहूंगी, लेकिन एक्टिंग तो चलती रहेगी। अच्छा, कुछ इस सफर का आपको ऐसा डायलॉग याद है जो लोगों को बहुत पसंद आया है, या कोई ऐसी चीज जिसकी बार बार लोग जिक्र करते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे खुद को नहीं मालूम था कि मैं कभी एक आइकॉन बन के इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश रहूँगी। क्या क्या अब तक कॉम्प्लीमेंट मिले हैं आपको लोगों से? जैसे हर सेट पे मेरे टाइमिंग को लेके, मेरे परफेक्शन को लेके, मेरे बिहेवियर को लेके, मेरे परफॉर्मेंस को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई एक किरदार बता दीजिए जिसको दर्शक को देखना ही चाहिए, या हर आर्टिस्ट को जो हीरोइन बनने आ रहा है उसको देखना चाहिए? ऐसे तो बहुत सारे किरदार मैंने किए हैं, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट जो पर्सनली जिसे करते वक्त मैं खुद टेंशन में आ गई थी, और मैं, मुझे याद है सेकेंड डे था उस सेट पर मेरा, और पैकअप के बाद मैं ऐसे पलंग पर बैठी थी और मेरी मम्मी सोफे पे बैठी थी, मम्मी ने पूछा था क्या हुआ, ऐसे शॉक क्यों हो? मैंने कहा मम्मी पहली बार कोई ऐसा रोल है जो मुझे मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। कौन सा किरदार? घर वाली बाहर वाली। क्या किरदार? कहने को लोग बोलते हैं कि गांव की लड़की है, सिंपल सा रोल है। आप घर वाली थी या बाहर वाली? मैं घर वाली थी। घर वाली थी, तो गांव की लड़की का कैरेक्टर कहने में वो लोगों को लगता है काफ़ी सिंपल है, चुलबुली है, ये है, लेकिन घर वाली का जो कैरेक्टर था वो उसने मुझे सेकेंड डे बहुत टेंशन में डाल दिया था। क्योंकि एक तो मन बुद्धि थी, ऊपर से बहुत बदसूरत दिखती है वो, उसका हंसने का तरीका, उसका बात करने का तरीका बहुत डिफरेंट था। तो मैं जब सेट पे पहुंची, पहले दिन मुझे बहुत शर्म टाइप की आ रही थी, क्योंकि मैं पूरा काले मेकअप में थी, मतलब कहते ना कि हीरोइन वाले कोई बात नहीं थी उसमें, कोई बात नहीं हीरोइन वाले, जितना मतलब उसको जितना भद्दा बना सकती थी मैं उस कैरेक्टर को, उतना भद्दा मुझे बनाना था। तो सेकेंड डे बहुत मेंटली बहुत प्रेशर आ गया था मेरे ऊपर। तो मैं ज़रूर कहूँगी घर वाली बाहर वाली, वैसे कॉन्सेप्ट इज़ वेरी नॉट न्यू, बट मेरे लिए आप लोगों को एक फिल्म देखनी चाहिए। और अब मैं जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, लोग इसी फिल्म के ज़रिए बोलते हैं आपकी फिल्म देखी घर वाली बाहर वाली, कमाल काम किया आपने। रानी की फिल्म घर वाली बाहर वाली, रानी मीन्स मैं आपको बताऊंगी उसमें जो मेरा हंसने का तरीका भी था ना ऐसा था, तो इट्स टू ऑड, यू नो, मोनालिसा के साथ जब भी सीन होता था, मोनालिसा बाहर वाली थी, मोनालिसा बोलती मैं तुम्हें नहीं देखूंगी, मैं तुम्हें देखूंगी नहीं, क्योंकि वो सब मुझे देख के हंसते रहते थे और मैं कैसे करूँ, तो थोड़ा मेंटली प्रेशराइज वाला रोल था। जो लोग ये कहते हैं कि भोजपुरी में देखने लायक, परिवार के साथ देखने वाली फिल्में नहीं बनती हैं, गलत कहते हैं। उन लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो नहीं, मैं यही आ रहा हूँ, उन लोगों के लिए आप ऐसी 10 फिल्में बताइए, 10 फिल्मों का नाम, कि वो जरूर देखें कि नहीं ये फिल्में परिवार के साथ देखने लायक है। मैं एक बात कहूँ, एका दुक्का फिल्में हैं जिसमें सर्टिफिकेट के साथ आता है ए, वो मत जाके देखो जिसमें यू मिलता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ टाइम से ए ही मिल रहा है, वो ए मिलने का रीज़न ये है, एक्शन रिएक्शन एवरीथिंग, लेकिन बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं, 10 ही नहीं, मैं 100 फिल्मों के ऐसे नाम बता सकती हूँ जो आप बाकायदा अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। आप बताइए कुछ फिल्मों के नाम बताइए। मेरी जितनी फिल्में वो सब जाके देखो। सुनिए, रानी कह रही है कि इनकी सारी फिल्में परिवार के साथ देखने लायक हैं। प्रधान फिल्म करती हूँ मैं। मैं जितने दर्शक हैं, जितने फिल्म क्रिटिक हैं, या जो लोग फिल्मों पर लिखते पढ़ते रहते हैं, या कोई भी, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ जो जो लिखते हैं वो कभी भोजपुरी फिल्म नहीं देखते। नहीं, मैं भी लिखता हूँ, सिर्फ यूट्यूब नहीं, मैं आपकी बात नहीं, आप बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप जो भी लिखेंगे भोजपुरी के लिए, आपने कभी ये तो नहीं लिखा ना कि फलाना हीरोइन भाग गई वहाँ फलाना, ये तो आपने नहीं लिखा।
तो उनसे, क्योंकि आप फिल्मों के लिए लिखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं रानी जी, बिल्कुल, जो वाकई फिल्में देखते हैं और उसके बाद लिखते हैं। मैं आप सबसे आम दर्शक जो भी जिसको भोजपुरी से प्यार है, जो भी लिखना चाहते हैं रानी की फिल्में देखें, अगर आपको किसी फिल्म पर लगता है कि नहीं ये परिवार के साथ नहीं है तो बताएं, और ये भी बताएं जो फिल्में वाकई देखने लायक हैं, अच्छी हैं, जिनकी चर्चा होनी चाहिए तो खूब लिखें। उन कुछ फिल्मों का नाम तो आप बता ही दीजिए वाकई। जो मैं भी नई नई फिल्मों के ही नाम बताऊंगी, नहीं पुराने भी बताइए। पुराने में जैसे मेरी बहुत सारी फिल्में हैं, छुटकी दुल्हन है, देवरा पर सुताविला है, सात सहेलियां हैं, ये सारी फिल्में आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। नागिन है, दामिनी है, दुर्गा है, और फिर जो घरवाली बाहरवाली मैंने बताया, गंगा जमुना सरस्वती, निरहुआ की एक फिल्म है परिवार, बहुत अच्छी फिल्म थी। अभी एक फिल्म मैंने देखी हाल ही में, राजा बाबू, निरहुआ की फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म लगी मुझे। रवि किशन की एक फिल्म आई थी उठाई ले घूमता चांद देख ले, वो आप फिल्म देख सकते हैं। त्योहार नहीं कोनो जोड़ तू बेजोड़ बाड़ू हो, पवन जी के साथ जब के दिल में समा जाला, वो भी आप देख सकते हैं। रवि जी के साथ मेरी पिवा बर सतावेला, साली बड़ी सतावेली, कितनी सारी फिल्में जो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। सतावेला चला तो एक साथ पांच फिल्म, पिवा सतावेला, देवरा सतावेला, साली। क्या है ना कि टाइटल कैची होना चाहिए, टाइटल कैची होना चाहिए, इस चक्कर में ऐसे टाइटल। जब सताना होता है तो आपको बुलाया जाता है, पिवा सतावे, देवरा सतावे, साली सतावे, क्यों सबको टारगेट कर सकती हूँ। चलिए रानी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आप इतनी अच्छी मुस्कान के साथ, इतनी अच्छी हंसी के साथ बातचीत करती हैं, ये हंसी ये मुस्कान आपके जीवन में हमेशा बना रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। रानी चटर्जी पिछले 14 साल से जैसे आई शुरू हुई, अपने आप को निखारती गई, निखारती गई, निखारती गई, और बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने स्वीकार किया कि मुझे कुछ भी नहीं आता था लेकिन मैंने सीखा, और सीखते हुए आदमी जब बढ़ता है तो ऐसे मुकाम पाता है। अगले एपिसोड में हम किसी और सरताज के साथ होंगे, तब तक अपने दोस्त मनोज भाऊ को दे विदा, नमस्कार।